हेलो फ्रेंड्स, मेरा यानी आपके प्यारे दोस्त मौलिक चौकसी का स्विजी कंस्ट्रक्शन की ओर से प्रेम भरा नमस्कार। आज अगेन मैं आपको वाटरप्रूफिंग के रिलेटेड डायफ्राम वॉल और रिटेनिंग वॉल में कौन कौन सा वाटरप्रूफिंग होना चाहिए या किस टाइप्स के वाटरप्रूफिंग अभी के हिसाब से मार्केट में हो रहे हैं और पास्ट में कौन कौन से वाटरप्रूफिंग हो रहे थे उसके बारे में एजुकेशनल माध्यम से जानकारी दूंगा, जो लेमेन के लिए एज वेल एज टेक्निकल स्टाफ के लिए और ये इंडस्ट्री के रिलेटेड सभी लोगों के लिए बेनिफिशियरी रहेगा। थैंक यू। अभी मेरे साथ बने रहिएगा। वाटरप्रूफिंग बाय रिटेनिंग वॉल में कैसे वाटरप्रूफिंग किया जा सकता है या डायफ्राम वॉल में अभी कैसे वाटरप्रूफिंग किया जा सकता है। अभी के हिसाब से रिटेनिंग वॉल भी ज़्यादातर स्ट्रक्चर में होता है और अभी नाउडेज डायफ्राम वॉल उससे ज़्यादा बूमिंग है। सबसे पहले रिटेनिंग वॉल या डायफ्राम वॉल में जब भी किसी में भी वाटरप्रूफिंग कुछ करना हो तो सबसे पहले क्लीनिंग कर लेना चाहिए। माइक्रो क्लीनिंग बहुत बढ़िया सा अच्छी तरह से हर इक्विप टूल्स की वजह से और उसके साथ कर लेना चाहिए। कहीं भी कुछ क्रैक दिख रही है वो क्रैक अच्छी तरह से क्रैक फिलर मटेरियल से आप सीमेंटेशियस से कर सकते हो, पीएमएम से कर सकते हो, सीलेंट से कर सकते हो, उस हिसाब से एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ साइट आप क्रैक फिलिंग कर। वो जो डायफ्राम वॉल या फिर रिटेनिंग वॉल है उसमें आपका टाइरोड है तो टाइरोड को आपको पैक करना है। आप टाइरोड नॉन श्रिंक फ्री फ्लो ग्राउट से भर सकते हो, जैसे कि फॉसरॉक में GP2 आता है, ऐसे कोई मटेरियल से भर सकते हो और उसके बाद उसकी टॉप को प्लगिंग कर लो। अच्छा, जितने जितने जंक्शन है डायफ्राम वॉल है अपनी उसमें जितने जितने जंक्शन है जो लेवल पे अपने कोल्ड जॉइंट्स आते हैं, माने कोल्ड जॉइंट्स जितने भी जॉइंट्स हैं वो जॉइंट आप फाइबर मेस के सैंडविच कोट से या इम्पोर्टेड टैप जो बेसिकली जियो टेक्सटाइल होती है और उसके ऊपर PVC लाइनर का एम्बोस किया हुआ होता है उससे आप वो जॉइंट कोल्ड जॉइंट ट्रीट कर लो। अगर कोई जगह पे आपका लीकेज आ रहा है जो रनिंग डायफ्राम वॉल है जिसको आपको ट्रीट करना है, जिसका आपको वाटर प्रूफिंग करना है, उसमें कहीं लीकेज आ रहा है तो आप जहाँ तक हो सके वहाँ तक सीमेंटेशियस इंजेक्शन ग्राउटिंग अवॉइड कीजिए। पर अगर ऑप्शन नहीं है तो सीमेंटेशियस में जाइए, अदरवाइज आप PU इंजेक्शन ग्राउटिंग में जाओ। उससे पहले जो जो भी लीकेज है उसको ब्लॉक करके उसको ट्रीट कर दो और उसको सॉल्व आउट कर लो। उसके बाद इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। पहले APP मेम्ब्रेन लगती थी, जैसे अपनी कोई डायफ्राम वॉल है तो डायफ्राम वॉल में पहले आउटर साइड से APP मेम्ब्रेन लगती थी, 3 mm 4 mm APP मेम्ब्रेन लगती थी, उससे भी वाटरप्रूफिंग कर सकते हो। उसके अलावा आप बिटुमिनस फ्लेक्सिबल हाईली इलोंगेटिव मटेरियल से लैम से लिक्विड अप्लाइड मेम्ब्रेन से कोटिंग कर सकते हो। इसके 2 से 3 कोट करने चाहिए, उसके ऊपर फाइनल कोट के बाद उसके ऊपर साइड स्प्रिंकल करके मैकेनिकल की दे देनी चाहिए और वो मैकेनिकल की के बाद आप उसके ऊपर कोई भी प्रोटेक्शन लेयर लगा सकते हो। नाउडेज इट्स बूमिंग क्रिस्टलाइन कोटिंग करते हैं हम लोग, क्रिस्टलाइन कोटिंग के भी 2 से 3 कोट मिनिमम करने चाहिए। कोई भी 2 component कोटिंग कर सकते हैं जिसमें पाउडर और पॉलीमर दोनों प्रीपैक कंपोनेंट आते हैं, उससे भी आप कोटिंग कर सकते हैं, उसके भी 2-3 coat 2 से 3 कोट करने चाहिए। या अभी SPS मेम्ब्रेन चलती है, SPS मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे, माने जो बाहर की साइड दिखने वाली है आउटर साइड पे, ये SPS मेम्ब्रेन है तो इसके आउटर साइड पे जियो टेक्सटाइल क्लोथ होता है, बाहर की साइड से अपने को क्लोथ दिखेगा, उससे भी आप वाटरप्रूफिंग कर सकते हो।
ये कोई भी एक दो एपीपी मेम्ब्रेन से, बिटुमिनस से, क्रिस्टलाइन से, टू कंपोनेंट से, एसबीएस से, माने बहुत सारी ऑप्शंस, 5-6 ऑप्शंस, इससे ज्यादा भी ऑप्शंस अवेलेबल है, पर मेनली ये ऑप्शंस राइट नाउ अभी के करंट सिनेरियो के हिसाब से रिटेनिंग वॉल और डायफ्राम वॉल में चल रहे हैं। तो ये ऑप्शंस हो जाने के बाद आप प्रोटेक्शन लेयर पे बाहर से प्लास्टर कर सकते हो पॉजिटिव साइड से, फिर सुप्रीम और ऐसी कंपनी के सीट्स आते हैं, वो सीट्स को पीवीसी एंकर से फिक्स करके कोटिंग को आप सेव करके फिर आप फिलिंग कर सकते हो, देन यू गो फॉर फिलिंग, और फिलिंग के बाद आप अपना आगे की सीक्वेंस सेट कर सकते हो। फिलिंग करने से पहले एक बार कॉन्टेस्ट कर सकते हो, जिससे कहीं भी कोई एरर है तो वो आप रेक्टिफाई करके आपका रिटेनिंग वॉल और डायफ्राम वॉल का वाटरप्रूफिंग बहुत बढ़िया सा कर सकते हो, क्योंकि अदरवाइज इफ एनीथिंग हैपेंस आफ्टरवर्ड्स आफ्टर फिलिंग और सब कंस्ट्रक्शन के बाद तो आपका क्या होगा कि उस टाइम पे सब फिलिंग हो गया होगा आपका, उसका फिनिशिंग प्रोडक्ट भी लग गई होगी, तो वो सब एक्सकेवेट करके उसको ओरिजिनल रूट आउट में लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम वो उसी टाइम पे वाटरप्रूफिंग करने के बाद ही उसका मैन्युअली या पॉन्टेस लेके उसको जो भी रेक्टिफिकेशन चाहिए उस टाइम पे वो हम करके हमारी लीक प्रूफ रिटेनिंग वॉल या डायफ्राम वॉल कर सकते हैं, जिससे इनर साइड पार्किंग के एरिया में या कोई भी जगह पे स्ट्रक्चर में हम बाहर से कोई पानी का कोई भी इंग्रेस नहीं होने देंगे या उससे इंग्रेस नहीं होगा, जिससे हमारा स्ट्रक्चर लीक प्रूफ हेल्दी और बढ़िया सा बन सकता है, उसकी सर्विस लाइफ बहुत बढ़िया बन सकती है। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच मेरी ये वीडियो को सुनने के लिए। मेरा यानी सुजी कंस्ट्रक्शन की ओर से मोबलिक का प्रेम भरा नमस्कार। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पर अस्त व्यस्त न रहिए। जय हिंद।